अजमेर के पीसांगन का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, सागरमती नदी में युवक की तलाश जो है वो अभी भी की जा रही है, जो युवक बह गया था। अजमेर से रेस्क्यू टीम ने शुरू कर दी है सर्च ऑपरेशन और एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश में जुटी हुई है। गोविंदगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में युवक की तलाश जो है लगातार की जा रही है। शनिवार रात बता चुके कि सागरमती नदी के तेज बहाव में युवक बह गया था और तभी से युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो शनिवार देर रात की घटना बताई जा रही है और तलाशी अभियान लगातार किया गया, युवक को खोजने की कोशिश की गई। हालांकि आज फिर से युवक को तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक बहके किस छोर की तरफ चला गया है। तो अजमेर के पीसांगन से यह बड़ी खबर है, एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में बहे युवक की तलाश कर रही है। हालांकि बहाव तेज होने की वजह से संभवतः थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीम को आ रही होगी। अजमेर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ अशोक भाटी जुड़े हुए हैं। अशोक, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम आज सुबह 7 बजे से ही जुट गई थी। अपने जो संसाधन है उनको पूरा झोंक दिया गया, लेकिन कल रात को भी 12 बजे तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन श्यामलाल की कहीं जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद रात को ऑपरेशन रोकना पड़ा और सुबह फिर से जो है इस ऑपरेशन को जारी रखा गया है, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है और गोविंदगढ़ जो बांध है वो भी जो है लबालब चल रहा है, तो ऐसे में उसका पानी भी और फ्लो होकर आगे जा रहा है, तो एक समस्या जो है वो बहुत बड़ी बनी हुई है। पहले भी जो है इस तरह के हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो रपट पर जाने से बाज नहीं आ रहे, तो ऐसे में इस तरह के हादसे पहले भी बने हैं और अब जो है एसडीआरएफ की टीम क्योंकि लगातार जो है अभियान में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई है। पहले भी जो है 2 से 3 युवक की इस रपट के कारण हादसे के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो रपट है वो लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को और आम जनता को भी इसे लेकर जो है अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू अभियान में भी काफी परेशानी का सामना जो है एसडीआरएफ की टीम हो या फिर सिविल डिफेंस की टीम हो उसको करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है अभी तक श्यामलाल का कोई भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन कल से आज तक जो है अभियान में जो है दर्जनों जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, वो जुटे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो युवक जो श्यामलाल है, कुमावत है, उसको जल्द से जल्द तलाश किया जा सके, उसकी क्या स्थिति है उसकी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा सके। जी अशोक, क्या लगता है लगातार हो रही बारिश और तेज बहाव जो है नदी में, उसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल, तेज बहाव क्योंकि लंबे समय बाद जो है इतना पानी नदी में देखा जा सकता है, तेज बहाव के कारण समस्या इतनी आती है कि जहाज जो है उनकी वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाती है। ऐसे में जो मौका जो है कहाँ पर व्यक्ति है उसकी जो है तलाश होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अलग अलग टीमें हैं वो अलग अलग स्थानों पर जो है श्यामलाल कुमावत के जो बॉडी है उसको तलाश करने का प्रयास कर रही है। अब उसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है ये भी अभी क्या पता मुश्किल है। ये तलाशी अभियान जब संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर बीकानेर में डिजिटल अरेस्ट कर 6 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। साइबर ठगों ने सुनील कुमार के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। साइबर ठगों के खिलाफ चित्रकूट थाने में केस दर्ज है। शातिर जो ठग हैं, यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनकर फोन करा था। पीड़ित के मोबाइल सिम को मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग करना बताया गया था। ईडी और आरबीआई से जांच करवाकर कार्रवाई की धमकी दी गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विष्णु शर्मा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जयपुर से। विष्णु, हौसले लगातार बुलंद है साइबर ठगों के, लगाम कब लगेगी, जरा सा इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो ठगी की वारदात है वो भरत मार्ग निवासी सुनील कुमार के साथ में हुई है। सुनील कुमार को 7 सितंबर को एक फोन आता है जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लखनऊ पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया। उसके बाद में कहा कि उनके आधार कार्ड के नंबर के आधार पर एक सिम मोबाइल सिम अलॉट हुई है और उसी के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग में उस मोबाइल सिम का उपयोग किया है। ऐसे में आरबीआईडी की कार्रवाई करने की धमकियां देकर के भरत कुमार को धमकाया गया और साथ में उनके जो बैंक अकाउंट्स और भी कई अन्य जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी साइबर ठगों ने हासिल कर ली। कुछ घंटों तक डिजिटल अरेस्ट बना के रखा और आखिरकार खाते से करीब 6 लाख रुपए की पैसों का ट्रांजेक्शन बदमाशों ने कर लिया, जिसके बाद अब सुनील कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। चित्रकूट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जी बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी पहुंचाने के लिए। तो विष्णु शर्मा जयपुर से जानकारी दे रहे थे और किस तरीके से 6 लाख रुपए की ठगी को डिजिटल अरेस्ट करके एक युवक से ठगी की गई है, इसके बारे में अब पुलिस जांच कर रही है। कोटा
शहर से 200 श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार रात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में अयोध्या के लिए रवाना हुआ। यह श्रद्धालु बसों से रवाना हुए हैं जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। 3 दिन की इस यात्रा में भगवान रामलला के दर्शन के साथ अयोध्या के अन्य तीर्थ स्थल के भी दर्शन करने का कार्यक्रम है। कोटा से रवाना होते वक्त मंत्री दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा अयोध्या दर्शन यात्रा को लेकर सुनिए आप। अयोध्या दर्शन यात्रा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निकल पड़े हैं भगवान रामलला के दरबार, उनकी भूमि के दर्शनों के लिए। सहपरिवार तो जा ही रहे हैं, साथ में बड़ी तादाद में उनके कुछ खास कार्यकर्ता, उनकी विधानसभा से जुड़े हुए लोग फिलहाल इस कारवां का हिस्सा हैं और इस कारवे के साथ में अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं आप कि ये लगभग 3 बसें हैं जिनमें 150 से ज़्यादा की तादाद में जो कार्यकर्ता जो है वो इन बसों में और कारों के सफ़र के साथ में अयोध्या भगवान रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो दिलावर साहब, ये खास पहल भगवान रामलला के दरबार में सहपरिवार बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ हाजिरी लगा रहे हैं, कुछ विशेष मंतव्य? भगवान राम के दर्शन जितनी बार करते हैं उतनी ही ऊर्जा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और हमारे में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपको तो साहब भगवान राम से जुड़े संकल्प लेने के लिए जाना जाता है, अभी भी कोई संकल्प ऐसा था और भविष्य में लेने वाले हैं ऐसा कोई संकल्प? हमारा इतना ही संकल्प है कि 2 साल के अंदर राजस्थान स्वच्छता के मामले में हिंदुस्तान में अग्रणी प्रदेश हो। इस पूरी जो यात्रा है दर्शन यात्रा, उसका जो आयोजन है वो किस तरह से किया गया और किस तरह से ये पूरी की पूरी जो पूरा श्रद्धालु का जत्था तैयार हुआ? हम सब लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया है कि भगवान राम के दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय भी हमने कहा था कि सामूहिक रूप से भी भगवान राम के दर्शन करने चलेंगे, उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान क्या क्या शेड्यूल रहने वाले हैं और रामलला के दरबार के अलावा कहाँ कहाँ जाने वाले? रामलला के दरबार के अलावा हम फिर बैठकर विचार करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, जैसा विचार विमर्श का निष्कर्ष होगा वैसे। भगवान, अंतिम सवाल, भगवान के दरबार से कोई नया संकल्प लेकर के आने वाले? अब ये भगवान राम की प्रेरणा क्या रहती है हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए और आपको शुभ यात्रा भगवान राम के दरबार। हिमांशु, पिछले 10 दिनों से चल रहा बाबा रामदेव का भादवा मेला एकादशी के दिन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। बाबा की समाधि के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने एकादशी के अवसर पर मेला चौक में लगी दुकानों से जमकर खरीदारी की। बता दें कि पिछले 10 दिनों के दौरान देश भर के अलग अलग शहरों और गांव से तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोग रामदेवरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजन अर्चन किया। बता दें कि प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव का भादवा मेला 18 सितंबर तक चलेगा। मेला व्यवस्था के सफल संचालन में सहयोग करने के लिए तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिस जाब्ता तैनात है। मेला संपन्न होने के कारण अधिकांश पुलिस वालों को यहां से अब रिलीव किया जा रहा है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का 640वां मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न होने जा रहा है। इस वर्ष लाखों की तादाद में लोग पैदल व्हीकल अलग अलग वाहनों से लोग यहां बाबा के मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए, मंदिर समिति की बेहतरीन व्यवस्थाओं यात्रियों की सुविधा को और सुगम बना दिया। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला बहुत ही खुशहाल और शानदार रहा। साथ ही व्यवस्थाएं अच्छी होने के वजह से दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ी है। इस बार पूरी तरीके से शांति से मेला चल रहा है, अब समापन की ओर है। लगभग 40 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पंचायत की तरफ से, पुलिस की तरफ से सारी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं होनी चाहिए उन पे पूरा काम किया गया था।
देश में लाल बत्ती का कल्चर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन टोंक में जल झूलनी एकादशी पर जल विहार के लिए निकलने वाले डोला पर आज भी लाल बत्ती लगाई जाती है। टोंक में रियासत काल से भी पहले से निकलती आ रही डोल यात्रा में लाल बत्ती वाले देव विमान का अलग ही रोमांच होता है। इस बार भी काला बाबा मोहल्ले का लाल बत्ती वाला कोतवाल डोला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा और इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष काला बाबा मोहल्ले से लेकर ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब के आसपास मौजूद मकानों की छतों पर मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का अलवर दौरा है। पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हैं मोहन भागवत। बताया जा रहा है कि सिद्ध स्थित मातृ वन में पौधे लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। संघ के कई आला पदाधिकारियों को मातृ वन में जाने से पुलिस ने रोक दिया। जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं था उन्हीं लोगों को रोका गया। बाकी लोगों को जिनका नाम में लिस्ट था उन लोगों को एंट्री दी गई। तो मोहन भागवत ने पौधारोपण किया है। बता चले संघ प्रमुख मोहन भागवत अलवर के दौरे पर हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि उनके साथ इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और अन्य लोग जो थे प्रशासनिक अधिकारी वो मौजूद रहे हैं। संघ प्रमुख ने इस दौरान पौधारोपण किया है और अच्छी बात ये रही है कि इस दौरान जिनका लिस्ट में नाम नहीं था बताया जा रहा है उनको एंट्री नहीं दी गई है। जिनका लिस्ट में नाम था सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई है। तो मोहन भागवत ने पौधारोपण किया। भीलवाड़ा में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में हुई पत्थरबाजी पर जहाजपुर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जामा मस्जिद और तकिया मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि नोटिस में दोनों से ही पट्टा और निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज 24 घंटे के अंदर जमा करने के लिए कहा गया। वहीं पत्थरबाजी के मामले में 12 लोगों को डिटेन भी किया गया। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उधर विधायक गोपी मीणा ने सभी मांगे मान लिए जाने के बाद धरना खत्म किया। तो भीलवाड़ा के जहाजपुर में बताते चले कि एकादशी के शुभ अवसर पर पत्थरबाजी की घटना को कुछ अराजक तत्वों ने अंजाम दिया था और इसके बाद लगातार इस पे एक्शन जो है पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जांच करते हुए इस मामले की अब तक 12 लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और उनसे अब इस पूरे मामले की पूछताछ को लेकर के पट्टा और निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज भी मांग लिए गए हैं ताकि आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पत्थरबाजी की घटना को जब अंजाम दिया गया तो वहाँ पर आक्रोशित लोग जो यात्रा लेकर के जा रहे थे वो हो गए और उन्होंने इस दौरान आक्रोश में आकर के तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर बन गया था दोनों पक्षों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा। जामा मस्जिद को नोटिस थमाया गया है और उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है कि जो दस्तावेज है वो अपने पेश करें ताकि पट्टा निर्माण स्वीकृति किसने दी थी इसको लेकर के जांच प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा सके। कुल 12 लोगों को अब तक डिटेन किया गया है इस पूरे मामले में और इन 12 लोगों से पूछताछ जो है वो पुलिस प्रशासन की टीम करने में जुटी हुई है। एस टीम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसटीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब लोग बात भी की, इन सब लोगों को बुला दो, दोनों समुदाय से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाप्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाप्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जाँच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग आरोप हैं। तो अभी पुलिस अपने स्तर पे जांच करने के बाद ही पता कर पाएंगे क्या पोजीशन कैसे हुआ है। कस्बे वासियों का स्तर ये भी नॉर्मल है, कोई संदेश सर कस्बे वासियों के लिए? नहीं, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, शांति रखें और पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, शोभा यात्रा के दौरान जो पत्थरबाजी हुई सियासत तो उसमें खूब हो रही है, दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी को नोटिस भी थमाया गया है।
जी बिल्कुल, कल प्रशासन ने अलर्ट मोड पर आते हुए जो सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद दो मस्जिद कमेटियों को नोटिस लिखा गया, उनके जो निर्माण दस्तावेज जो पट्टे दस्तावेज है वो मांगे हैं। देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा था और जो अभी वहां पे जो कैबिनेट बनी हुई थी उनको भी पीला पंजा चलाया गया था। देर रात गोपी मीणा जो कि जो एमएलए हैं जहाजपुर के, उन्होंने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लोगों से शांति बनाए करने की अपील की थी। आज फिलहाल हालात जो जहाजपुर के अभी हैं, बाजार बंद है, कस्बे के बाजार बंद है, क्योंकि देखिए जो बेवाण है अब उसको वापस वहां से निकालना पड़ेगा, जुलूस जो बेवाण का है वापस निकलेगा, उस पर सहमति बनने की कोशिश की जा रही है। 10 बजे ये लोग इकट्ठे होंगे और 10 बजे बाद बेवाण को किस तरीके से वापस जुलूस के रूप में निकाला जाए उस पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जो हालात है जाजपुर कस्बे के वो स्थिर है। 12 लोगों को डिटेन किया गया था पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सामने निकल कर आया? जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि जो पुलिस है लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कोई जानकारी बाहर अभी नहीं दी है क्योंकि देखिए कहने के लिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो पुलिस हर एंगल से हर तरीके से इनसे पूछताछ कर रही है और जब तक पुलिस किसी सही जगह पर पहुंच नहीं जाती जब तक बातें। राहुल, नजर बनाए रखना फिलहाल के लिए, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर में राजस्थान साइकाइट्रिक समिति के 39वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ हो चुका है। अधिवेशन का उद्घाटन सांसद मंजू शर्मा ने किया। इस अधिवेशन में राजस्थान के 250 से ज्यादा मनोचिकित्सक शामिल हुए। अधिवेशन में मुख्य रूप से मनोचिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, मनोचिकित्सा में कानूनी प्रक्रिया विषयों पर व्याख्यान और शोध पत्र पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 अवार्ड पेपर, वर्कशॉप, 55 शोध पत्र और 30 शोध पोस्टर्स के अलावा पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। ये रहेगा कि भाई आप हेल्थ केयर में किस तरह से डायग्नोसिस को स्पेसिफिक बना सकते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बना सकते हैं, कैसे पेशेंट्स को इसका कम टाइम में बेनिफिट मिल सकता है, इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जयपुर में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बताते चले 39वें वार्षिक समारोह में मनोचिकित्सा में जुड़े तमाम पदाधिकारी वहां पर शामिल हुए थे। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि सांसद मंजू शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट।